अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। ये रेसिपी खास उन सब के लिए है जो बहुत ही यम्मी खाना पसंद करते हैं लेकिन बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ये रेसिपी एक इस तरह का डिश है जो कि आप बहुत ही कम मेहनत करके इतनी मज़ेदार वाली चिकन बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी निज़ामी मुर्ग की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही कम मेहनत करके इतनी यम्मी रेसिपी जो है चिकन की बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस इस निज़ामी मुर्ग को बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, रेसिपी को फॉलो करिए। अगर रेसिपी वीडियो मेरी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के मज़ेदार रेसिपी अपने चैनल पर हमेशा डालते रहती हूँ। अगर आपको मेरी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखनी है मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, थोड़े बहुत की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे जाके आप देख सकते हैं। और ये निज़ामी मुर्ग की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, आप अगर इसे देखेंगे तो आप भी ज़रूर से ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। निज़ामी मुर्ग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है 800 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन के पीसेस आप देख सकते हैं बड़े साइज़ में मैंने रखा हुआ है। चिकन को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लीजिए, उसके बाद मैरिनेट करेंगे जो है 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट से। तो सारी चीज़ें जो है हम इसी में ही डालेंगे क्योंकि मैरिनेट में ही सारी चीज़ें जाएगी, जैसे कि 1 टीस्पून जो है जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, और जो है 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर हम इसमें डालेंगे। अब इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अब थोड़े खड़े मसाले इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि तेज़पत्ता, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, बड़ी इलायची और 1 चम्मच साबुत जीरा। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऐड करना है, और फ्रेश दही का यूज़ करें और थिक दही का यूज़ करें, पानी वाला दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अच्छी तरह से इसे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। जितना भी स्पाइसेस, मसाले और जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम सारे इसी में डालेंगे, क्योंकि कुकिंग के टाइम में हमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करना है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसे साइड में रखना है, और बाकी के चीज़ें इस तरह से हम रेडी करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है मिक्सी का, 8 से 10 काजू को मैंने आधे घंटे पहले भिगा लिया था, उसी जार में डालना है। उसी तरह से मैंने बादाम को भी इस तरह से भिगा लिया था 10 से 12, उसके छिलके हटाना है और उसी जार में डाल देना है। इसे डालने के बाद अब थोड़ा सा फ्राइड अनियन इसमें डालेंगे, जैसे कि 2 मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने स्लाइस चॉप करा और उसके बाद मैं फ्राई कर लिया था, तो इसे भी इसी जार में ऐड कर देना है। अब 1 कप चाय के कप का 1 कप दूध इसमें ऐड करेंगे, और सारी चीज़ों को जो है हम अच्छी तरह से इसको मिक्सी के जार में इसको ब्लेंड करेंगे, एकदम से स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और अब इस पेस्ट को इसी चिकन में ऐड कर देना है। सारे इसमें डालने के बाद जार में जो भी बच जाएगा तो आप हल्का सा दूध या फिर 2 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छी तरह से जार से निकाल के इसी में डाल दीजिए। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल डाल दूंगी, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है एकदम से। अब इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे ढक के फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए। अब जितना देर इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे आपका चिकन जो है उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे रख देते हैं 2 घंटे के लिए फ्रिज पे। जैसे ही 2 घंटा हो जाएगा तो चिकन को फ्रिज से निकालना है। आप जिस कढ़ाई या पतीले पे बनाना चाहते हैं पूरे चिकन को उसी में डाल देना है, एकदम मसालों के साथ में। बचा कुचा जो भी बाउल में मसाला है सारा इसमें ऐड कर देंगे, और जो है सारा डालने के बाद अब इसको हम चढ़ा देंगे गैस पे। गैस का फ्लेम स्लो में रख लीजिए, और 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और ढक के जो है हम कम से कम 35 से 40 मिनट्स के लिए इसे कुक करने रख देंगे। लेकिन बीच बीच में आपको 2-3 बार चलाना ज़रूर है 10-15 मिनट छोड़ के। अगर आप बीच बीच में इसे चेक नहीं करेंगे तो ये नीचे से जो है मसाला जल जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए ढक के 35 से 40 मिनट्स के लिए इसे कुक करने के लिए रख देते हैं। 35 से 40 मिनट्स के
उसके बाद तो चलिए देखेंगे हमारा जो निजामी मुर्ग किस तरह से बन के तैयार हुआ है। मैंने बीच बीच में एक दो बार चलाया ज़रूर था, आप देख सकते हैं चिकन का कलर, चिकन का ग्रेवी का कलर इतना यमी लग रहा है, इतना बेहतरीन सा हो गया है। और मसाला जो है यानी कि ग्रेवी से जो है ऑयल अलग हो रहा है, चिकन एकदम से टेंडर हो गया है, यानी कि पूरा सा जो है चिकन जो है एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे तो हमारी ये बेहतरीन सा चिकन का जो डिश है बनके एकदम तैयार है। एकदम दावतों वाली जो है निजामी मुर्ग हमने जो बिना मेहनत किए, बिना किचन में इतना देर खड़े रहे बना के तैयार किया है। बस इसे आप ज़रूर से ट्राई एक बार करिएगा, इतना यमी लगता है। आप इसे तंदूर रोटी, रुमाली रोटी या फिर प्लेन रोटी पराठे किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने दावतों के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनता है, एक बार ज़रूर से आप इसे ट्राई करें। बिना मेहनत के इतनी अच्छी चिकन बना सकते हैं। तो ये निजामी मुर्ग की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। आपने बनाया, आपकी कैसी बनी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।